नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, एचएल की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आ गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत का एक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और भारत का एक नवरत्न कंपनी है, और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है आईटीआई कैंडिडेट के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें टेक्नीशियन डिप्लोमा और टेक्नीशियन आईटीआई की वैकेंसीज है, और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाए। दोस्तों, आईटीआई की सैलरी रहेगी 44,554 रुपये से लेकर डिप्लोमा का सैलरी रहेगी 46,511 रुपये, प्लस अदर अलाउंस भी आपको मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों एचएएल की तरफ से आई है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये जो डिवीजन है दोस्तों एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर डिजाइन कॉम्प्लेक्स मराठा हल्ली पोस्ट बेंगलुरु की तरफ से जारी किया गया है। जॉब लोकेशन आप कैसे बेंगलुरु है रहने वाली। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज है, और इसमें दो तरह के वैकेंसीज है, आईटीआई टेक्नीशियन और डिप्लोमा टेक्नीशियन की, ठीक है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों भारत का एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जो कि अंडर एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज एंड साउथ एशिया के नंबर वन जो है डिफेंस सेक्टर में ये आती है, ठीक है। और इसमें जो बहुत सारी चीज़ अक्सर जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सेटेलाइट से रिलेटेड व्हीकल्स एचएल के तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर और सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, खास कर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, जो कि डिफेंस सेक्टर के जितनी भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह होती है ये सारे जो है एचएल ही बनाती है, ठीक है। साथ ही इसका सर्विस भी दिखती है। और अभी जो वैकेंसीज है एचएल एआरडीसी डिजाइन कॉम्प्लेक्स की तरह से जारी किया है, जिसमें टेक्नीशियन दो तरह की वैकेंसीज है आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए। ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों एज अ फोर्थ ईयर के एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, ठीक है। आगे भी इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, डिपेंड करेंगे इनकी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट पर, हालांकि इनकी तरफ से जो वैकेंसीज का एक्सटेंड होते रहता है। अब बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसीज है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड यहाँ पर देख लीजिएगा, देन इसके अनुसार से आपका पोस्ट यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे TBP DM01 की पोस्ट कोड है, और इसके लिए पोस्ट जो है डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए, जिसमें D6 की रहेगी, और टोटल इसमें 9 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 8 है, OBC के लिए 1 है, और यहाँ पर टोटल जो है डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह से रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद TBPDE के लिए डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें 2 सीटें हैं, जो कि डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से रहनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है असिस्टेंट सिविल की वैकेंसीज है, और इसमें 1 सीट है और डिप्लोमा आपका सिविल से रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो TBT TF करके है वो आपका जो है आईटीआई की वैकेंसीज है टेक्नीशियन फिटर की, TF मतलब टेक्नीशियन फिटर की है, टोटल इसमें 7 सीट है, और इसके लिए आईटीआई विथ NSE आपका होना चाहिए, NCTVT से फिटर वगैरह से, ठीक है। इसमें 3 सीट आपका जो है जनरल के लिए, OBC के लिए 2 सीटें हैं, और 1 SC के लिए है, 1 ST के लिए है, इस तरह से टोटल 7 सीट है आईटीआई फिटर ट्रेड के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी कि आपने अगर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हैं या अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं, तो उसके लिए टोटल 5 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए 2 सीटें हैं, जिसमें आईटीआई विथ NSE या NCTVT मशीनिस्ट से होना चाहिए, और उसके बाद टर्नर के लिए यहाँ पर 1 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी 1 सीटें यहाँ पर रखा गया है, हालांकि सीटें काफ़ी कम है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, जो भी पोस्ट के लिए आपका दिया है उसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पर जो परसेंटेज वगैरह की बात करें, जो भी आईटीआई डिप्लोमा सेमेस्टर या ईयर वाइज परसेंटेज होना चाहिए, वो आपका जनरल OBC और EWS के लिए 60% या 60 से ऊपर होना चाहिए, SC ST PWD कैंडिडेट 50% है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो जनरल और EWS का एज 28 साल रखा गया है, और एज की काउंटिंग आपका 31/5/2024 से करी जाएगी, और SC ST के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का एज में छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी PWD कैंडिडेट है तो 10 साल को मिलेगा, और आप अगर HL के एक्स अप्रेंटिसशिप वगैरह हैं तो आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है।
यानी कि कोई भी एचएल वगैरह से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको एज में छूट मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो टेनर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो ये जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका फोर्थ ईयर के रखेगी, फोर्थ ईयर के बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट और भी एक्सटेंड होगा। ठीक है, डिपेंड करेंगे इनके मैनेजमेंट और डायरेक्शन पे। जो कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे उनका पहले अजर ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, पोस्टिंग आपको एचएल के जहाँ पर भी इनके ब्रांचेस है और इन्हीं में आपको जो है पोस्टिंग रहेगी। अब बात करते हैं इसमें सैलरी वगैरह के बारे में। तो बेसिक सैलरी देखिए, आपका डिप्लोमा के लिए अलग है, आईटीआई के लिए अलग है। आईटीआई की आपका 22,000 रहेगा और डिप्लोमा का 23,000 है, प्लस आपका डीए वगैरह मिलेगा 9,614 रुपये आईटीआई के लिए और 1,051 रुपये डिप्लोमा के लिए। एचआरए भी मिलेगा 27%, यानी कि 5,940 रुपये अलग से एचआरए के मिलेगा और डिप्लोमा के लिए 6,210 रुपये। ठीक है, उसके बाद और भी अदर अलाउंस वगैरह है 5,550 रुपये और मेडिकल अलाउंस है 1,500 रुपये। इस तरह से टोटल की बात करें तो आईटीआई की सैलरी रहेगी 44,554 रुपये और डिप्लोमा की सैलरी रहेगी 46,511 रुपये। ये पर मंथ आपका इन हैंड आपको आने वाली है सारी चीज़ें इंक्लूड होकर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फैसिलिटीज़ हैं, और भी बेनिफिट्स हैं, तो जो भी कैंडिडेट जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल भी रहती है और काफ़ी अच्छा सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको ईमेल के थ्रू आपको एडमिट कार्ड वगैरह जारी करेगा, आप वहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करेंगे और उनका जो है एक रिटन एग्ज़ाम होगा और आपका पेपर वगैरह जो आईटीआई के साथ रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, और जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा वगैरह से तो डिप्लोमा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा और एक ही एग्ज़ाम होगा, ओनली रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, पेपर जो होगा वो आपका 2.5 घंटे की रहेगी और 3 पार्ट में पेपर रहेगा और सारे क्वेश्चन आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पार्ट वन में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से, पार्ट टू आपका जो क्वेश्चन रहेगा 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग का, और पार्ट थ्री में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा आपके जो भी ट्रेड है, जो भी ब्रांचेस है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्म है दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का आपका 18 जुलाई तक दिया गया है। ठीक है, तो 18 जुलाई से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो अप्रेंटिसशिप एचएल वगैरह से किए हैं या जिनको स्पॉन्सर वगैरह जो है किया है या ईमेल वगैरह में जिसको यूज़र नेम वगैरह मिला, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलेगा, वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। एचएल के हर बार की यही वैकेंसी इस तरह से रहता है, तो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। बाकी सारे डिटेल्स मैंने बता दिया है, अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।